इस दुनिया में हर इंसान की एक कहानी होती है जिसका हीरो वो खुद होता है, लेकिन मेरे लाइफ का हीरो और विलन मैं दोनों खुद हूँ और सोचा आज अपनी कहानी भी सुना देता हूँ। दिन था 15 सितंबर और साल था 1995। जब पैदा होते ही मैंने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने स्ट्रगल को दे दिया था। फिर क्या, हर साल दर्जनों एग्जाम को देते हुए मैंने अपने स्कूलिंग को पूरा किया और फिर जिंदगी में एक बात समझ में आई, लेकिन लेट से। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सबर। हाँ तो मैं लड़कों और लड़कियों, मैं 12th कंप्लीट करने के बाद मैं अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए इतना बेहतर था कि मैंने अपने कॉलेज को जीत के साथ एडमिशन करा। और क्या हुआ, मानो वही जिसका डर था, मुझे कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप भी मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली आपके एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो आपको अभी अपने ग्रेजुएशन के लिए ओपन से फॉर्म भरना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। स्किल अब हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएटिंग का सीखो, तो 3D एनिमेशन VFX सीखो, फोटोग्राफी सीखो, कोडिंग वगैरह सीखो, कुछ भी सीखो, क्योंकि 3-4 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन का डिग्री तो रहेगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास स्किल रहेगी तो आपको जॉब मिलने में आसानी भी होगी। ये मेरे सुझाव है। अगर अच्छा लगे अच्छा लगे लेना, अगर नहीं लाइट लेना लाइट लेना। मिलने की चर्चा को अब एक हो गया था अरसा, ये वो बादल थे जो गरजा पर कभी नहीं खसाला बरसा। माँ को एक छोटी सी खुशखबरी सुनाने सालों में था तरसा। अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही 2 सब्जेक्ट में बैकलॉग्स पाकर बात समझ में आ चुकी थी कि मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट ही करना पड़ेगा और बड़ा सा बिजनेस खोल के उस पे $multi-million कमाना पड़ेगा। लेकिन चाहने से सब कुछ होता तो देश का प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी ही होता। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इस दुनिया में कॉलेज ड्रॉप आउट करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। पहला स्पेशल बंदे जिन्हें जिंदगी थपथपा के आसमान तक पहुंचा देती है, और दूसरा मेरे तरह स्पेशली चैलेंज जिन्हें जिंदगी थप्पड़ मार के अपने ग्रेजुएशन के लिए और साथ ही साथ इस तरह के जॉब के लिए। सर बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम का, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। किसी और नहीं, और नहीं हो रहा है सर, लाइफ नहीं आ रही, कैसे हो रहा है? थैंक यू फॉर कॉलिंग। स्कूल से नौकरी तक के सफर में एक कमाल की चीज सीखने को मिली। जब स्कूल में थे तो स्कूल का बस्ता बड़ा भारी लगता था। हम सोचते थे कि यार कब नौकरी लगेगी, एक हल्का सा बस्ता लेकर ऑफिस जाएंगे, खूब मजा करेंगे जिंदगी में। लेकिन जब स्कूल से नौकरी तक का सफर तय किया ना, तो समझ में आया कि स्कूल का बस्ता भले ही भारी था मगर जिम्मेदारी बहुत कम थी। लेकिन जब से नौकरी में आई तब से बस्ता तो हल्का है, हल्का है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। लड़की है, लड़की है, लड़की हो अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो हम आपको। जी सर, अब मुझे समझ में आ चुकी है कि जिंदगी में काम करना कितना ज़्यादा जरूरी है और खाली यूं कभी नहीं बैठना चाहिए, भले ही कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रहना चाहिए, छोटा या बड़ा। शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, जानते जाओगे, समझते जाओगे। क्योंकि अगर आप शुरुआत ही नहीं करते हो किसी भी चीज़ के लिए तो ये 100% तय है कि आप उस पर फेल हो। और अगर आपने शुरुआत कर दी है, एटलीस्ट अगर 99% भी आप फेल हो तो 1% चांसेस बनता है कि आप कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। बस फिर करता हूँ महीनों में कॉल पे कॉल, वो पास करते रहते हैं मुझे लाइक बॉल, मेरे सैड स्माइली जरूर के लॉल, जब का फक यू ऑल, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।